नमस्कार जी जी, वेलकम। आपका अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में स्वागत है और आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बचपन से पहली, सबसे आपकी पहली क्या याददाश्त होगी अहिंसा के अनुभव या उसके असूल के बारे में? मैं पहले अपने बचपन के बारे में बता दूं। मेरे घर में आज़ादी के आंदोलन का वातावरण था और उसकी वजह से मैं गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में जानने लगा, भगत सिंह के बारे में भी और गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में भी। उस जमाने में गांधी जी क्योंकि सत्य और अहिंसा की बात करते थे, मैंने भी मान लिया कि अहिंसा अच्छी चीज़ है और अहिंसा को स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझको कहना चाहिए, मैं समझा नहीं था अहिंसा के बारे में गांधी जी क्यों कह रहे हैं वो। फिर जिस तरीके से मैं थोड़ा बड़ा हुआ, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने लगा और उसके बाद बम्बई आ गया, क्योंकि मैं पहले कानपुर में था पढ़ने के लिए, तो कुछ असर मेरे ऊपर कम्युनिस्टों की हो गई। क्योंकि उन लोगों ने तय किया था उस जमाने में, मुझे आया था 40s में था, अर्ली 40s, तय किया था, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज का विद्यार्थी था, उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज के ऊपर कंसंट्रेट करने का तय किया था। लेकिन ये इतिहास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैं जब तक वो इम्पीरियस वॉर की बात कर रहे थे तब तक मैं उनके साथ था, जब वो बदले तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। बदले कैसे? आपने कहा जब उन्होंने पीपल्स वॉर की बात करना शुरू किया। ओ आई सी। उस जमाने में पीपल्स वॉर का क्या मतलब था? यानी एक जमाने में पहले उन लोगों ने, या शुरू में उन लोगों ने ये कहा कि जो वॉर, सेकेंड वॉर चल रही है वो इम्पीरियलिस्ट वॉर है। उसको मैं समझा थोड़ा बहुत, और उन्होंने जिस तरीके से समझाया उसको मैंने स्वीकार किया। लेकिन सडनली जब उन लोगों ने पीपल्स वॉर की बात करना शुरू किया, मेरा मोह भंग हो गया और वैसे भी मैं कांग्रेस के साथ था। उसी वक्त 42 में AICC की मीटिंग हुई बम्बई में, ग्वालियर टैंक ग्रुप पर मैं हाजिर था पूरे 2 दिन दर्शक सदस्य के तौर पर, छोटे से वॉलंटियर के तौर पर। जो सुना मैंने काफ़ी मेहनत नहीं लेकिन ध्यान दे करके, मेरे ऊपर काफ़ी विचारों की असर हुई। मैंने ये भी सुना है कम्युनिस्टों ने विरोध किया था, करीबन 12 लोगों ने विरोध किया, उसमें ज़्यादातर से सभी लोग कम्युनिस्ट थे। पर दूसरे दिन इस उम्मीद से 9 तारीख को कि झंडा वंदन होने वाला है, कस्तूरबा जी आने वाली है, मेरे जैसे कितने ही विद्यार्थी वहाँ पहुँच गए थे, सुबह हजारों लोग थे हम लोग। झंडा वंदन हुआ, फिर कस्तूरबा जी नहीं आई, बाद में पता चला अरुणा असफल ही आई, झंडा वंदन करके चली गई। उसको जी मालूम नहीं था गांधी जी पकड़े गए, लेकिन वहाँ पर पता चला कि नेता पकड़े गए सुबह 5 बजे पर। चूँकि काफ़ी लोग जमा हुए थे वहाँ पर, पुलिस ने हमको चचर बिचर करने की कोशिश की, टीयर गैस, कहते कि पहली दफ़ा हिंदुस्तान में उसका उपयोग हुआ, हम पर वो प्रयोग किया गया। हमको किसी ने कहा पानी से अपनी आँखें ढक दो, हमने किया वो। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग वापस जाने लगे, मैं भी उसी तरीके से जाने लगा। प्रार्थना समाज तक पुलिस हमारे पीछे आई, उसके बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज चला गया। एक चीज़ जो हुई वो ये है कि मैंने तय किया
क्योंकि गांधी जी ने एक तरफ से डू और डाई किया था और दूसरी से यही ये भी किया था तुम तुम्हारे नेता हो। तो हम लोगों ने तय किया वहाँ पर हॉस्टल में रहता था कि हम लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज को बंद करवाने की कोशिश करेंगे। सुबह 10 बजे या 10 तारीख को हम लोग खड़े रहे, काफ़ी लोग वापस गए, कुछ लोग कॉलेज में गए, ये 10, 11, 12 तक चलता रहा। 12 को हम लोगों ने तय किया हम चर्चगेट स्टेशन जाएंगे और चर्चगेट स्टेशन पर जा कर के ट्रेन को बंद करने की कोशिश करेंगे। गए। ये जब ऐसे कार्य आप सोचते थे तो आपके उस समूह में कोई ऐसे भी नौजवान थे जो तोड़फोड़ पे उतरना चाहते थे या जिनको लगता था कि ऐसे मौके पर कुछ हिंसा का जो है प्रयोग वाजिब है, कोई वो विचार भी था क्या? एक चीज मैं बता दूं, मैं 10, 11, 12 तक मेरा जो ग्रुप थे, हमारा जो ग्रुप था हॉस्टल के अंदर और बाकी विद्यार्थी जो मदद करने के लिए आए, उनमें तोड़फोड़ की कोई बात उस वक्त नहीं थी, लेकिन हमने रेलवे को बंद करवाने के लिए स्टेशन पे गए, वहाँ में पकड़ा गया। मालूम नहीं थे कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, लेकिन मुझको फौरन वर्ली टेम्प्रेरी प्रिजन में भेज दिया गया शाम को। उस वक्त भी मैं ये नहीं मानता था कि सरकार या उनकी पुलिस ये मानती है कि मैं नेता हूँ, मैं नेता बेटा नहीं था। खैर, जेल में फिर से कुछ विचारों में परिवर्तन आया और हिंसा और अहिंसा को लेकर के कुछ पढ़ने लगा, समझने की कोशिश करने लगा, सुनने लगा और मेरी तरफ जो लोग थे उनसे बातचीत में इसकी चर्चा होने लगी। मैं ये तमाम चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ब्लाइंडली गांधी जी की वजह से नॉन वायलेंस को मानने वाला आदमी 42 मूवमेंट में धीरे धीरे एक तरफ से उस ज़माने में जो बातें जो किताबें पढ़ी जाती थी पॉपुलर थी वो पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंचा कि यूरोप में हर क्रांति ब्लडी क्रांति हुई है, खूनी क्रांति हुई है, यानी हिंसक क्रांति हुई है। यानी मैं सोचने लगा कि परिवर्तन जिसको आमूल परिवर्तन कहते हैं या क्रांति हिंसा के बगैर आ ही नहीं सकती है, इस किस्म के नतीजे पर मैं धीरे धीरे आया। ये कब तब कौन सा साल होगा? 42 मैं जेल में था, इन दैट जेल में ये तमाम चीज़ें ओके चर्चाएं होती थी। जी जी, मेरे साथ जो लोग थे अच्छे कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे, चर्चाएं होती थी। हिंसा हिंसा के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन समाजवाद, गांधी जी के विचार, नेहरू के विचार, थोड़ा बहुत कम्युनिज्म के बीच में काफ़ी चर्चाएं सुनने को मिलती थी। लेकिन एक चीज़ मैंने धीरे धीरे समझ में आई कि समाजवादी पहले मैं धीरे धीरे वहाँ पर समाजवादी बन गया जेल में, क्योंकि मैं जिस रूम में रहता था उसके सामने के रूम में रोहित दवे करके मार्क्सिस्ट और कांग्रेस के नेता जो भी कुछ कहिए थे, और मेरे बाजू में कृष्णा खाड़ेकर, पीटर अलमारी जैसे लोग थे और उसके साथ जी एल मपारा जैसे लोग भी थे। बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि मैंने कुछ मार्क्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश, समझ पाया ये कहना गलत होगा, लेकिन यूरोप की क्रांतियों के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा और जैसे मैंने कहा वैसे मैं हिंसा अनिवार्य है इस किस्म के नतीजे पर पहुंचा। और उस वक्त समाजवादियों ने एक और चीज़ की थी, ये बाद में पता चला, उन्होंने
मैं नहीं जानता था ये तमाम चीज़ें उस वक्त, धीरे धीरे पता चला बाहर आने के बाद, बहुत पता चला। उन्होंने ये तय किया था कि हम लोग इंसान की हिंसा नहीं करेंगे लेकिन तोड़ फोड़ करेंगे। ये समाजवादियों ने गांधी की असर से हिंसा और अहिंसा को लेकर के एक किस्म की टेक्टिकल अहिंसा को मंजूर किया था, ऐसा निष्कर्ष मिले बाद में निकाला। लेकिन जैसे जैसे अनुभव मुझको मिला या रशिया में जो भी कुछ हुआ वो सुना पढ़ा उसको लेकर के, इन तमाम चीज़ों की वजह से मैं बायोलॉजी में एक शब्द है, फैकल्टेटिव एक शब्द है, मैंने इस परिस्थिति में आप ऐसे बन सकते हो, इस परिस्थिति में आप अलग बन सकते हो, मैं एक तरीके का फैकल्टेटिव अहिंसक और हिंसक था, वो बाद में अहिंसा में मानने लगा। यानी डेमोक्रेसी है तो हिंसा की ज़रूरत नहीं है, इस किस्म के एक फॉर्मुलेशन से लेकर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा था धीरे धीरे कि हिंसा के जरिए जो गांधी जी कहते थे लेकिन समझ में नहीं आता था जी। जो कुछ होगा उसका अंजाम जो आएगा वो आप जो चाहते उस तरीके का नहीं आएगा, नहीं आएगा। धीरे धीरे मेरे में वो समझ आना शुरू हुई और उसके बाद मैं अहिंसा में जो समाजवादियों को बहुत बड़े पैमाने पर यानी मार्ग से लेकर के गांधी तक की जो यात्रा है समाजवादियों में उस यात्रा का मैं भी एक यात्री बन गया और मानने लगा कि शायद गांधी जी के विचारों में उन तमाम हिंसा हिंसा को लेकर के जो विचार है उसमें काफ़ी फर्क है और मुझे गांधी जी के विचारों को मानने लगा, मानना पड़ेगा। लेकिन ये भी कह दूँ कि गांधी जी के विचारों को मानना आसान नहीं है, तो इतनी बारीकियाँ उन विचारों में क्या पढ़ने के बाद या सुनने के बाद तो समझ जाएंगे, ऐसा मैं उसका शायद मानता था लेकिन वो गलत था। पर उसमें से अगर हम एक पहलू को अभी उठाएं कि वो ये था कि गांधी जी का ये विश्वास था कि जो आप से अलग विचार का है, मतलब जो भी आपका अपोनेंट है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपका एनिमी हो, जिससे हमारा मतभेद है उससे हमारा मन भेद होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और इसके बल पे वो मानते थे कि हम दूसरे को हृदय परिवर्तन के द्वारा परिस्थिति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस पे आप बताइए आपका क्या विचार बना। मैं कह दूं शुरू में मेरी समझ इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन धीरे धीरे गांधी जिस तरीके से सोचते थे उसकी समझने की क्षमता बढ़ती रही, जितना ज़्यादा सुना ज़्यादा सोचा और ज़्यादा पढ़ा। मैं स्वराज का अर्थ जिस तरीके से उन्होंने निकाला, स्व पर राज से लेकर के स्वराज, ये जो अर्थ है शुरू में समझ में नहीं आया लेकिन धीरे धीरे समझ में आया। जो आपने कहा कि दुश्मन की जो कृति है वो ख़राब हो सकती है लेकिन जो करता है वो ख़राब है, ये मानना गलत होगा। इस किस्म के जो विचार है उसकी असर मेरे ऊपर काफ़ी काफ़ी चीज़ों की असर हुई, जैसे स्पर्श के लिए जूते बनाना या जो पठान उसको मारने आया था उसको दोस्त बना देना, ये तमाम चीज़ें बहुत महत्व की चीज़ें। ये धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ता गया, जैसे जैसे राजनीति में कुछ करता गया, जैसे जैसे मैं समाजवाद को समझने की कोशिश करता गया आई, और मैं अब कह सकता हूँ कि मैं अहिंसा में पूरा मानने लगा हूँ। लेकिन एक चीज़ और कह दूँ और ये बहुत महत्व की है और ये हमेशा ही विचार सताता है, अगर गांधी जी जर्मनी में होते तो क्या होता, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर आप एक अहिंसक परिवर्तन को
मान लाना चाहते हैं तो जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके चरित्र के बारे में जानना जरूरी है। मैं आज भी मानता हूँ, उस वक्त भी धीरे धीरे मानता था, इतने साल मार देता उनको, गांधी जी को उनके सत्य के प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिलता, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अहिंसा में मानने वाला मैं, परिस्थिति कैसी है उसमें बगैर परिस्थिति को बदले आप अहिंसक समाज या अहिंसक तरीके से हमेशा सफल होंगे ही, परिवर्तन ला जाएंगे मानना गलत होगा, ऐसा मेरा धीरे धीरे निष्कर्ष बना। मैं जैसे कहूँ अगर एक समाज की ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल कंपटीशन है, हिंसा होगी ही। जी 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 जी, लेकिन ये जो जर्मनी वाली जो विडम्बना है उससे आपका अहिंसा के प्रति जो विश्वास है वो कम नहीं हुआ ना? अहिंसा कभी नहीं हुआ, दैट्स राइट, आज भी है। जी जी, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, जो लोग अहिंसक तरीके से परिवर्तन लाना चाहते हैं या अहिंसक तरीके से सत्याग्रह कहिए, संघर्ष कहिए, या लोगों के सवालों को हल करना चाहते हैं, उनको अहिंसक समाज बनाना है तो एक इकोसिस्टम जिसमें अहिंसक समाज बनना संभव है उसके बारे में भी करना होगा। यानी स्टैंड अलोन हिंसा और अहिंसा की चर्चा करना अनप्रैक्टिकल है, ऐसा मेरा, इसीलिए मैंने आपको कहा अगर मैं कंपटीशन में मानता हूँ, कंपटीशन मतलब है कि किसी को हराना पड़े, मतलब जिसमें केवल किसी को हरा के ही जीत हो। हाँ, ये मैं, यानी मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मैं दोस्त नहीं कह सकता लेकिन मेरे उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे एलसी जैन के, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा। एक दफ़े उन्होंने मुझको कहा, एक जानना चाहिए, एक रेस के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ आदिवासी लड़के कंपटीशन कर रहे थे, रेस में दौड़े, एक लड़का वो भी आदिवासी था, जीत में लेने के लिए उसको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा था, फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया, वहाँ पहुंचा और वहाँ रुक गया, खड़ा रह गया, पीछे देखा और जब तक वो लोग आए नहीं उसे क्रॉस नहीं किया। मैं ये नहीं कह सकता जब कहा तब वो समझा था, लेकिन मेरी दृष्टि से ये बहुत कुछ कह जाता है। जी जी जी, यानी अगर आपको अहिंसक समाज बनाना है जी, तो अहिंसा के अंदर आपको जिस तरीके से आज समाज में कंपटीशन है, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी की बातचीत चलती है, इन तमाम चीज़ों को बदलना होगा। इसको मैं इकोसिस्टम कहता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है, हिंसक समाज स्टैंड अलोन नहीं बन सकता है। जी जी, इसको आज की संस्कृति, बुद्धिजीवियों के विचार, हम लोग जो कृति करते हैं वो आज की अर्थव्यवस्था, आज की राज्य व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों का एक किस्म का संबंध है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है ऐसा मुझको लगता है। यानी इसका मतलब है कि समाज के ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे। बिल्कुल, जब तक आप कंपटीशन की, अब रेस की बात करते हैं, क्रिकेट में होगा या कुछ भी हो, इस किस्म के माहौल में जब कोई जीता तो हम खुश करे, हारे तो रोए, इसमें एक अहिंसक समाज नहीं बनाया जा सकता। जब तक मैं ये ना मानूँ, मैं हारूँ या ना जीतूँ, जीतूँ या हारूँ, जो जीता उसके लिए भी खुश, वो मेरे देश का न हो तो भी। गांधी जी के विचारों में काफ़ी संभावना है। गांधी जी कभी ये नहीं कहते मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया में जो भी कुछ करूँ, लेकिन मैं अफ्रीका में जाऊँ या रंगून में जाऊँ तो मुझको रंगून के समाज के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। इन विचारों को समझना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है समझे बगैर अहिंसक समाज या UN वगैरह जो भी बनती रहती है उसकी सफलता संभव नहीं है, ऐसा मुझको। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिस तरीके से गांधी जी ने हमको सिखाया
मैं बार बार गांधी का नाम लेता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर उनकी इतनी असर है। जो भी कुछ सीखा हूँ वो उनसे सीखा हूँ, ऐसा समाजवादी जरूर सीखा हूँ, लेकिन कौन से समाजवादी जिनके ऊपर गांधी की असर है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमको सिर्फ अहिंसा की बात नहीं करनी पड़ेगी, अहिंसा के जरिए से समाज का परिवर्तन करना है तो हमको नो वार कहना, नो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब वगैरह कहना काफ़ी नहीं है, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से लोग एटम बॉम्ब के बारे में सोचना बंद कर दें। कैसे होगा, सोचना होगा। आज परिस्थिति क्या है, रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, जो आर्मामेंट के अंदर हैं वो तमाम कॉर्पोरेट शक्तियाँ चाहती है कि चलती रहे और फिर रास्ता ढूंढते हैं, कहेंगे कि रशिया क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने और नाटो ने जो किया उसकी का ये परिणाम है, और यूक्रेन क्यों लड़ रहा है, क्योंकि नाटो उनको सपोर्ट करिए। मुझे लगता है कि इस किस्म की सोफिस्ट्री गलत है, आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और गलत है। आप कितना भी जस्टिफिकेशन हो, आपको किसी को मारने का अधिकार नहीं है। आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा कि आर्मामेंट इंडस्ट्री की ज़रूरत ही क्या है, छोटी सी रखिए ना। जब आपके ऊपर जैसे गांधी जी ने कहा भी था ना, और JP ने कुछ हद तक इस विचार को बढ़ाने की कोशिश भी की थी ना, तो मैं इस नतीजे पर पहुँच रहा हूँ कि जो प्रयोग गांधी जी के ज़माने में हुए, जो प्रयोग उनके मरने के बाद विनोबा जी ने किए, उन प्रयोगों को हम आगे नहीं ले जा पाए, उसके पीछे हमको जाना पड़ेगा। क्यों हुआ, विनोबा जी ने जो बड़े पैमाने पर यात्रा करके इतने एकड़ ज़मीन जो सरकार नहीं कर पाई उससे शायद ज़्यादा ले पाए, इस प्रयोग को हमने सफल ही नहीं होने दिया, हमने ओन अप नहीं किया, गांधी जी के अनुयायियों ने ओन अप नहीं किया, और कुछ हमारे समाजवादी लोगों ने भी ओन अप नहीं किया, उनको सरकारी संघ बना दिया। बाद में क्या क्या वो अलग चीज़ है, लेकिन वो प्रयोग एक लाजवाब प्रयोग था। आप एक अहिंसक समाज बना सकते थे उस पर जी, और उस प्रयोग में समाज की प्राथमिकता थी, नॉट सरकार की। तो अब आपका जो यूसुफ मेहराली सेंटर के थ्रू काम रहा है, जहां आपने गांव के स्तर पर गांव के लोगों के साथ समाज के स्तर पर परिवर्तन और ये इस किस्म का इकोसिस्टम बनाने की जो प्रयास रहे, थोड़ा उनके बारे में भी बताइएगा कि मतलब उसमें जो आपका जो इट वॉज ए वे ऑफ प्रमोटिंग अ नॉन वायलेंट अप्रोच, तो थोड़ा आई थिंक हमारे ऑडियंस को आप यूसुफ मेहराली जी से भी परिचय करवाएं। लेकिन मैं थोड़ा सा और बता दूं जी, मैं इकोसिस्टम की जब बात करता हूं तो मैंने जो कहा वो ये था, हमको संस्कृति या बुद्धिजीवी लोगों की थिंकिंग या अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ कह दूँ, हम आज़ादी के ज़माने में एक तरफ से सेक्युलरिज्म समझे बगैर, क्योंकि यूरोप में कैसे हुआ वो बगैर समझे हमने उस शब्द को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा मेरा मानना, इंटेलेक्चुअल से नहीं मोटे तौर से, और गांधी जी की वजह से संभव की बात करने लगे। सवाल मेरे दिमाग में जो उठा, मैं कह रहा हूँ हमारे जैसे लोग जो 42 में जेल में थे, वो जेल में आने के बाद जो भी कुछ हुआ इस देश में उसका विश्लेषण करते करते, काफ़ी लोग समाजवादी थे, इस नतीजे पर पहुँची है बहुत सी चीज़ें जो आज़ादी के आंदोलन में करना चाहते थे वो अधूरी रह गई है, कुछ करना चाहिए ना उसके बारे में। और इस वजह से एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि जब गुजराती और मराठी हिंदी भाषी अलग अलग किस्म के जो धर्म थे उनकी फॉल्ट लाइन्स बढ़ गई, उस परिस्थिति में हमने सोचा हमको एक ऐसी संस्था
बनानी चाहिए जिसके प्लेटफॉर्म पे हर किस्म के लोग आएंगे। और उस वक्त हम लोगों ने सोचा इस देश के अंदर गांधी के नाम से विलुप्त, राजेंद्र बाबू के नाम से, वल्लभ भाई पटेल के नाम से, मौलाना आज़ाद के नाम से सिर्फ कम लेकिन काफ़ी चीज़ें हो रही है, लेकिन मुसलमानों के नाम से जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। जाया कि उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर योगदान फ्रीडम मूवमेंट को किया था, इसलिए हमने सोचा कि अगर हमको इस किस्म की संस्था बनाना है तो हम यूसुफ मेहली या एक माइनॉरिटी जो एक्सेप्टेबल है उनके नाम से काम करें। और इसलिए दो चीज़ें हमने तय की, कम्युनल हारमोनी जो अधूरा काम है पूरा करेंगे, और दूसरा माइनॉरिटीज़ को जो जस्टिस भी मिल रही है आज़ादी के बाद, जो उन्होंने त्याग किया था विचार दिए थे उनको थोड़ी सी जस्टिस मिलेगी। हमने यहाँ तक सोचा कि सिर्फ मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन क्यों नहीं, आदिवासी क्यों नहीं, दलित क्यों नहीं, हम नहीं कर पाए वो अलग चीज़ें, क्योंकि साधन जितने चाहिए थे शायद उतने नहीं थे। खैर जो मैं कह रहा हूँ वो ये, हमने यूसुफ मेहली के नाम से जानबूझ के कुछ विचारों को लेकर के काम करना शुरू किया। और जब ये काम करना शुरू किया तो जिन लोगों ने शुरू किया उन लोगों ने उस वक़्त की जो अर्थव्यवस्था थी, आज तो बहुत बदल गई है उसमें और आज में आसमान ज़मीन का फर्क है, उस अर्थव्यवस्था के ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो शायद हमारे विचारों को, गांधी के विचारों को या आज़ादी के आंदोलन के विचारों को सपोर्ट करे, ऐसा कुछ प्रयोग हो सकता है क्या। मोटे तौर से आश्रम बनाए गए जैसे गांधी जी के आश्रम थे, वैसे हमने कोशिश की कि एक अलग किस्म की अर्थव्यवस्था क्या चीज़ें सोचना चाहिए, बातें होती रहती है। शुरू में हमारा सोच ये था, हमारी सबकी शायद, कि अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर ओनरशिप बदल जाए तो समाज बदल जाएगा, ये मार्क्सिस्ट थिंकिंग था। बहुत कुछ है, मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ कहना कह सकता हूँ, लेकिन जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं और मेरे जैसे काफ़ी लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि उनका ये कहना कि पहले बदलेगा फिर सुपर स्ट्रक्चर में सब कुछ आएगा, हम लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। हमने कहा पहले विचार बदलने चाहिए, इंसान बदलने चाहिए, समाज बदलेगा तो इंसान बदलेगा, इसकी जगह पर समाज बदलेगा तो सॉरी इंसान बदलेगा तो समाज बदलेगा, वो गांधी जी कहा करते थे, समाजवादियों ने दोनों को बदलने की ज़रूरत है। इस तरीके का एक किस्म का समन्वय करने की कोशिश की। उस वक़्त के थिंकिंग में दो चीज़ें हुई आज़ादी के आंदोलन के बाद जो हमको आज़ादी मिली, समृद्धि का कर्ता, समृद्धि के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा कौन करेगा, सरकार करेगी, इस किस्म का एक मत पूरे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में दुनिया में था। और उसके बाद सब लोगों ने सरकार में आना बहुत महत्व था, गांधी जी ने कभी सरकार में आने का प्रयोग नहीं किया था, आज़ादी चाहिए थी लेकिन इंसान बदलने का काम किया था ज़्यादातर, और इंसान के थ्रू समाज, ये एक अलग चीज था। लेकिन हमने ब्लाइंडली मान लिया हम सरकार में आए वहाँ जाएंगे पूरा समाज, जिस तरीके से यूरोपियन सोशलिस्टों ने हम ऊपर से लाद देंगे उस चीज़ को जाने अनजाने स्वीकार करी, और उसकी वजह से जो बड़ी गलती की हम लोगों ने हुई थी, समाज परिवर्तन का जो काम पहले काफ़ी लोगों ने किया, समाज सुधारकों ने, और जो आज़ादी के आंदोलन के अंदर अपने आप हमारे अंदर आ गया उसके ऊपर का जो भार था कम हो गया। तो समाज को बदलने की जो प्रक्रिया है, मेरी दृष्टि से गांधी जी के मरने के बाद विनोबा और जेपी ने जो प्रयोग किए उसके बाद उस किस्म के प्रयोग आज सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट, आज सिर्फ एक्टिविस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कितना इस चीज़ को समझते मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। तो मैं जो कह रहा था वो ये है, हमने इस वजह से उस जमाने का धीरे धीरे जो थिंकिंग बना, एक तरफ से कॉर्पोरेटाइजेशन जिसका यानी पश्चिमी संस्कृति का
रिजेक्शन जो गांधी जी का था, जो तो हम समझ नहीं पाए थे, हिंद स्वराज काफ़ी दफे पढ़ा तो भी समझ में आया कि आज कॉरपोरेट सरकार से भी ज़्यादा बड़े बन गए। कॉरपोरेट सरकार की कोई शक्ति ही नहीं रही है उनके सामने। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कॉपरेटिव एक रास्ता था, कॉपरेटिव बनाई गई, कम से कम महाराष्ट्र में बहुत कॉपरेटिव बने और काफ़ी सफल भी हुई, लेकिन क्योंकि वो लोग कॉपरेटिव को ख़त्म करना चाहते थे, उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर कॉपरेटिव की चारित्र का हनन किया और कुछ हद तक चारित्र खराब हुआ भी था चुनाव लड़ने के लिए, कि उसकी वजह से कॉपरेटिव बदनाम हो गई। तो वो भी अल्टरनेट कुछ हद तक लेबर पार्टी में अमेरिका में वो सफल हुआ, यूरोप में भी सफल हुआ, हमारे यहाँ वो सफल हुआ फेल हो गया। फिर सवाल उठा और क्या हो सकता है, तो हम लोगों ने पढ़ा उस वक्त शूमाकर को जी, उन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल की बात की जी, असर हुई हम पर, हमने बहुत प्रयोग किए। जब हम यूसुफ मैली सेंटर बना करके गांव में पहुंचे, अर्बन पीपल गांव के साथ संबंध, ये शायद गांव से हम आए थे बहुत पहले, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था, समझ में आया गांव क्या चीज़ है, गांव में किस किस्म की बस्ती है और गांव को बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। और इन तमाम चीज़ों की वजह से पहले तो हमने ये किया कि जो हो रहा है वो देखा जाए। तो महाराष्ट्र में जितने संस्थाएँ उस वक्त काम करके हम गए हैं, दुनिया में जो भी कुछ प्रयोग चल रहे थे समझने की कोशिश की है, और इन तमाम चीज़ों को पढ़ने पर, समझने की कोशिश के बाद चर्चा करने पर हमने एक मॉडल बनाने की कोशिश की सेंटर ने जी जी। उस मॉडल में हमने सोचा कि हमको अगर समाजवादी ये मानते हैं कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए, हमको फ्री देने की कोशिश करनी चाहिए किया। अगर समाजवादी ये मानते हैं कि लोगों को दवाई मिलनी चाहिए, हमने दिया। दो चीज़ें हुई, एक कुछ तक चर्चा चल रही थी चीन के लेकर के, कि अगर आपको रूरल डेवलपमेंट करना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात करनी पड़ेगी। उनके प्रयोग अलग हुए, वो अलग चीज़ है। हम लोगों ने भी ये कहा कि सिर्फ दवाई देना या सिर्फ पढ़ाई देना काफ़ी नहीं है, और इसलिए हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी काम करना शुरू किया। और वहाँ शूमाकर का स्मॉल इज ब्यूटीफुल, या लोहिया का स्मॉल मशीन, या नेहरू का, या समझिए गांधीनों का के भी आई सी जो जब बना जी, इन तमाम चीज़ों को हमने स्वीकार करके, और यहाँ तक कि मौलाना हमारे प्रेसिडेंट साहब के विचार है पूरा, उसको भी हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सोच विचार करके कुछ करने की कोशिश की। सवाल उठा, इंसान को काम मिलने लगा, मुफ्त पढ़ने को बच्चों को मिलने लगा, दवाई भी मिलने लगी, लेकिन हमारे दिमाग में उठा इंसान बदला क्या? हम तो ये मान करके चलते थे जब सिस्टम बदलती है तो इंसान बदलेगा जी। सिस्टम बदल गई लेकिन इंसान वैसा का वैसे ही रह गया। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ अनुभव की वजह से, बहुत समय जाएगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। उस वक्त इनकी एक किताब पढ़ी थी हमने, बापू कुटी, इनकी किताब मैंने दो दफ़े तीन दफ़े पढ़ी। हमने सोचा गांधी के नाम से हम क्यों काम करें, बापू कुटी के नाम से क्यों करें, क्यों ना करें। और इसकी वजह एक और थी, शुरू से हमने जब ऑल्टरनेट इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब आप सीमेंट कैसे बनता है जानते हैं, लोहा कैसे बनता है या स्टील कैसे बनता है जब जानते हैं, तो क्या ऑल्टरनेट हो सकता है हाउसिंग का ढूंढने की कोशिश की। लॉरी बेकर से जो भी कुछ प्रयोग चल रहे थे हमने समझने की कोशिश की, और ये प्रयोग हमने सेंटर में किए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऑल्टरनेट क्या चीज़ है उसको करके देखा, उसको खोज करके देखना सीखना, इस किस्म का हमने सोच अपना बनाया। और उसकी वजह से हुआ क्या,
एक तरफ से हम लोगों ने लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में पढ़ा, बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ा, और वो दिखा भी होगा, करने में भी दिखा। तो हम फिर नतीजे पर पहुंचे कि जब बापू कुटी की बात करते हैं, उसको एक सिंबल बनाना चाहते हैं इंसान को बदलने का, तो हमको पर्यावरण की भी बात करना पड़ेगा। और पर्यावरण के बारे में अखबारों में कभी कभी छपता है और दुनिया भर में चर्चा भी होती है, कम से कम नवंबर महीने और दिसंबर महीने में, बाद में कुछ हो नहीं रहा है। तो हमने तय किया कि हम जो काम करते हैं उसमें पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान दे पाएंगे, ये प्रयोग चल रहे हैं। सवाल उठा, हमारे जो लोग थे, फिर वो सादगी हो या दंडवती हो या थोड़े बहुत नाथ भाई या सुरेंद्र मोहन, वो इतने बड़े आदमी नहीं थे कि लोग हमारे विचारों को सुनने के लिए आए। तो हमने एक प्रयोग और किया, लोग अपने आप हमारे पास क्यों ना आए, आ रहे हैं आज, इंटरेस्टिंग चीज़ें, लोग आ रहे हैं। हम हमारे नाम से कोई नहीं आता जी जी, लेकिन काम को लेकर के लोग आए जी जी। तो ऐसे जो प्रयोग है, हम उसको जहाँ तक हमको पहुँचाना पहुँचा नहीं पाए, लेकिन मैं मानता हूँ अगर हमको एक अहिंसक समाज बनाना है तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करनी पड़ेगी जी। आपको फॉसिल फ्यूल के उपयोग को ख़त्म करना पड़ेगा, आपको सोलर एनर्जी के बारे में सोचना पड़ेगा। हमने बहुत बड़े पैमाने पर एफोरेस्टेशन किया है। हमारे एक मित्र बीसी दत्त थे, जो नेवी और मिलिट्री के जो भी कुछ कहिए एक आजाद सम थे, वो बहुत बड़े पैमाने पर एफोरेस्टेशन को लेकर के कुछ करना चाहिए। और बहुत हम लोगों ने लाखों पेड़ उस एरिया में लगाए, समान प्रयोग हम कर चुके हैं। सवाल उठता है कि इसको एक किस तरीके से एक माला के तौर पर कैसे बना सकते हैं, सवाल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके के प्रयोग करें। ये काफ़ी नहीं है कि चिपको मूवमेंट करके कोई पेड़ न गिरे यहाँ तक रहे या आरे मिल इकोनॉमी जाके खड़े हो जाए। हमको सोचना पड़ेगा कि आरे मिल्क में जो हो रहा, कॉलोनी में जो हो रहा है, या चिपको मूवमेंट की ज़रूरत आ रही है, वो कैसे ना आए, उस किस्म की व्यवस्था कैसे बनेगी, जब पूरी दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, पूरा रिसर्च एक विशेष दिशा में जा रहा है। उस दुनिया के अंदर आपका रिसर्च किस दिशा में जाना चाहिए, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी। हमको लगा कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अमेरिका के एग्रीकल्चर के सवालों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जाने बड़ा फार्म, स्टेट फार्म, कोऑपरेटिव फार्म, उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो गरीब आदमी के पास एक एकड़, आधा एकड़, दो एकड़, तीन एकड़ से ज़्यादा नहीं है। तो हमारा रिसर्च वो छोटा किसान कैसे आत्मनिर्भर है, क्यों नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से प्रयोग हुए भी हैं, हमने किए हैं जी जी, हमारे यहाँ जी जी, आपके यहाँ भी हुए। लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत कह रहा हूँ, समाजवादी और गांधीवादी पर्यावरणवादी भी जब टीका करते हैं बहुत अच्छी टीका करते, लेकिन उसका जवाब जो झूमते तो स्टेट करेगा ऐसा मान के, या और कोई करेगा ऐसा मान के, वो ये नहीं कहते मुझको करना पड़ेगा। गांधी ने हमेशा ये कहा कि मैं करूँगा, हमको करना। आई फील जी जी कि कई लोगों ने करके दिखाया भी, माइक्रो 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 लेवल पे, मतलब स्थानीय स्तर पे, लेकिन उसमें से व्यापक जो पूरे समाज और पूरे देश या दुनिया पर फिट होने वाले मॉडल जो हैं, शायद उनकी कमी रही है। लेकिन आज के ज़माने में तो अगर टीका भी स्वीकार हो जाए, क्रिटिक भी स्वीकार हो जाए, तो वो भी काफ़ी बड़ी बात है। मैं मंजूर करता हूँ जी जी, जो कहते हैं। सवाल उठता मेरे लिए जी कि जब आप पावर पे आना, वोट लाना और पावर के जरिए परिवर्तन आता है, ये जब मानते हैं जी, तो जितने भी प्रयोग इस देश में हुए, दुनिया भर में हो रहे हैं, वो इशू बेस्ड प्रयोग है। हाँ। और इन इश्यूज को जी, 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 एक वाइपक वर्ल्ड व्यू में
लाने की जो कोशिश होनी चाहिए वो इंटेलेक्चुअल एफर्ट नहीं हुआ है, यानी बुद्धिजीवी मेरी दृष्टि से यहाँ पर फेल हुए हैं। गांधी के ज़माने में गांधी की वजह से इंटेलेक्चुअल रिजन टू ए पर्टिकुलर लेवल, जिसकी वजह से संभव हुआ कुछ चीज़ें। पावर ही सब कुछ लाएगा, इसको चैलेंज गांधी जी ने किया, करके भी दिखाया। जी जी, हमने बाद में वो प्रयोग ही नहीं किया। इसमें मुझे लगता है आपने जो एक बात कही ना कि कंपटीशन अगर बुनियादी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है एंड आल्सो गोल ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट, तो फिर बहुत सारी ये चीज़ें अनिवार्य हो जाती हैं या इनएविटेबल हो जाती हैं। उससे मैं ये आपको पूछना चाहती थी कि क्या वही जड़ है आज के हिंसा और घृणा के माहौल की, क्योंकि देखने में तो वो धर्म और जाति के विरोध हैं, लेकिन जो मूल इसका मतलब कारण है घृणा का, शायद वो हर इंसान की इनसिक्योरिटी है ना? आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, अगर हम जहाँ से ये संघर्ष, आपने जैसे जवानी में जो संघर्ष लड़े, उनकी दृष्टि से अगर हम आज के सामाजिक माहौल को देखें तो दुख तो होता है। मैं एक चीज़ मेरी बता दूँ जी, मैं डॉक्टर हूँ जी, मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर जी, मैंने साइंस पढ़ा है, मुझे बहुत दिलचस्पी है एटम से लेकर के बायोलॉजी, जो भी कुछ थोड़ा बहुत आज का भी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ता रहता हूँ। सवाल जो उठता है मेरी दृष्टि से वो ये है, हमने जिस किस्म की अर्थव्यवस्था बनाई है उस अर्थव्यवस्था में जो रिसर्च का डायरेक्शन है वो लोग तय करते हैं, समाज भी तय करता है, कॉरपोरेट सेक्टर तय करता है, सरकार की वजह से कॉरपोरेट सेक्टर बढ़ता है और कॉरपोरेट सेक्टर की वजह से सरकार में लोग आते हैं, तो उनकी ऐसी साठगांठ बन जाती है। और अल्टरनेट जो प्रयोग हुए हैं उनको सरकार कभी मदद करती है, कभी विड्रॉ करती है, इस तरह से प्रयोग बंकर रॉय ने काफ़ी किए मानना पड़ेगा जी। राजेंद्र सिंह काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं, अरुणा रॉय ने किए हैं ये तमाम प्रयोग को, या KVIC में भी सरकार ने मदद की तब तक कुछ हुआ, या नबार्ड कुछ कर पा रहा है क्योंकि अभी तक सरकार ने उसको विड्रॉ नहीं किया अभी तक। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था, करना चाहता हूँ वो ये, क्या हम इस किस्म का अपने आप को इत्मीनान दे सकते हैं कि एक किसी इकोसिस्टम बनाए कि सरकार हमारे साथ हो या ना हो, हम एक अलग किस्म का समाज बना पाएंगे। और उसके लिए मैंने सिर्फ कंपटीशन की बात की, लेकिन मैं अगर धर्म में मानता हूँ और मेरा ही धर्म चुपी ऐसा मानूंगा हिंसा होने ही वाली है, सर्वधर्म संभाव काफी नहीं है ऐसा मुझको लगता है। नहीं, और बताइए इसके बारे में। मुझे लगता है कि हमको सिर्फ ये कहना कि सब धर्म अच्छे हैं आज मेरी दृष्टि से काफ़ी नहीं, हमको वो धर्म में मानने वाले लोगों के साथ उनके क्या उनके अंदर थिंकिंग है ये भी तो समझना होगा। आज हम सिरोज में, मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स उनके बारे में जानता हूँ, मुसलमानों में जिस किस्म के प्रयोग हो रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा, थोड़ा बहुत जानता हूँ सतही। क्रिश्चियनिटी में वही है, दलित के बारे में तो अम्बेडकर को छोड़ के बाकी कुछ हम जानते ही नहीं है, और आदिवासी तो हमारे ऊपर एक किस्म के आश्रित है। नेहरू ने काफ़ी विचार रखे, गांधी जी के छोड़ दीजिए आप, लेकिन सवाल जो उठता है वो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको अगर आपको जिस किस्म की सोसाइटी, यानी हम भरशंकर समाज है किशन पटनायक का अगर शब्द का प्रयोग करें तो, यानी एक मिला जुला हर किस्म के ब्लड या जीन सब में आए हैं,
अगर उस किस्म का समाज हमको बनाना है तो हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और मैं इस्लाम धर्म कैसा है, अच्छा है, और उसकी तमाम अच्छाइयों को जैसे गांधी जी कहते, विनोबा जी कहते, वहाँ तक जा कर के रुक जाओ, मेरी दृष्टि से वो काफ़ी नहीं है। मुझको समाज में जाना पड़ेगा, वो कैसे सोचते हैं सीखना पड़ेगा, मैं उनके मोहल्ले में जाना पड़ेगा, उनके सुख दुख के अंदर। मैं हिंदू इसलिए मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुसलमान को भी वही करना पड़ेगा। हमारी कमजोरी ये है, हिंदू को हम कह सकते हैं, मुसलमानों को हम कह नहीं पाते। गांधी ने किया, हम उससे सीखे नहीं। नेहरू ने थोड़ी बहुत करने की कोशिश की, शुरू के समाजवादी ने किया, बाद में ख़त्म हो गया। ऐसा मुझे लगता ये क्यों ख़त्म हो गया? एक किस्म की मेरी दृष्टि इनसिक्योरिटी थी। मेरी दृष्टि से कहूँ, समाजवादियों ने वोट, पेड और प्रिजन, तीन चीज की बात की थी। वोट, पेड एंड प्रिजन। वोट, पेड एंड प्रिजन। पेड का मतलब ओके फूड, पेड एंड प्रिजन। प्रिजन के बारे में शुरू में हुआ, बंद हो चुका है क्योंकि टोकनिज्म आ गया। वोट महत्व का बन गया, और पेड के ऊपर कुछ लोगों ने काम किया, बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। उसकी वजह से जो जो भी कुछ बिखराव या जो भी कुछ आप कहिए, वो वोट की वजह से हो रहा है। जब आप चुनाव लड़ते, मैं अपना अनुभव कह दूँ जी, पहले चुनाव में इस देश के, इस इलाके के एक नौशीर भरोचा को मैंने जीता है, इंडिपेंडेंस। मैंने बहुत काम किया, लेकिन मैं डॉक्टर था। जिस दिन खत्म हुआ, मेरे यहाँ लाइन लग गई, आपको शायद याद हुआ, लाइन लग गई फॉल्स सर्टिफिकेट के लिए। मैं डॉक्टर था। अब मैंने सोचा, मैंने तो काम किया, अगर मैं खड़ा रहा तो क्या होगा, और मैंने ना बोला तो मुझको दूसरी से भी कौन वोट देगा। तो चुनाव के जो खतरे हैं, ये हमको समझना चाहिए। जेपी ने एक इनडायरेक्ट चुनाव की बात की थी, जर्मनी ने लिस्ट सिस्टम की बात की, यानी चुनाव के अंदर फर्स्ट पास जो भी कुछ आज की प्रथा है उसको बदलने के प्रयोग हुए हैं। हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो अभी चर्चा भी नहीं है, पहले चीज अब बंद हो गई है। जी, और कहता है तो बेवकूफ माना जाता है। ये जो सामाजिक घृणा और सामाजिक लेवल पे, मतलब वर्बल वायलेंस जो अभी हमारे यहाँ है, वो केवल धर्म के आधार पे नहीं है। किसी ने कुछ कहा, अगले को वो अच्छा नहीं लगा, तो उतने पे ही जो है वर्बल या फिजिकल हिंसा पे उतर आना और उसको वाजिब मानना, ये कहाँ से आई है, ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ? पहले इंसान में जिस तरीके से प्रेम एक महत्व की वृत्ति है, उस तरीके से लड़ना भी तो है ना। ट्रू, यानी जेनेटिक है ये, बिल्कुल जेनेटिक तो है, लेकिन उसमें बैलेंस की प्रक्रिया भी जो है वो बुनियादी है समाज में, वो बायोलॉजी में है जी। क्योंकि एक तरफ से इस तरफ चलने वाला और दूसरी तरफ दूसरी तरफ उसका बैलेंस, लेकिन बैलेंस टूट भी जाता है बायोलॉजी में। तो मैं जो समझाऊँ वो ये है कि जिसको हम सिविलाइजेशन या कल्चर कह सकते हैं, उसकी व्याख्या हमको ये करनी पड़ेगी कि हमारी इंटर्न या जो भी कुछ ड्राइव्स है उसको हम कैसे, जो सौ पे राज जिसका भार गांधी जी ने, जिस पर गांधी जी ने काफ़ी भार दिया, हमको प्रयोग करने पड़ेंगे कि हम अपने खुद के ड्राइव्स, भूख लगी है तो चोरी हो सकती है, कभी सेक्स की अर्ज आ गई कुछ गलती हो सकती है, इन तमाम चीज़ों को हम कैसे बदलेंगे, ये एक महत्व की चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, इतिहास में किसी भी कारण से लड़ाई बहुत महत्व रखता है, लड़ाई में हिंसा ही, लेकिन जो जीतता है उसके बारे में ज़्यादा लिखा जाता है, हारता है उसके बारे में कम लिखा जाता है। और फिर हम हमारे देश के बारे में कह देते हैं
कि हमारा देश इतना अच्छा है कि जो हारता है उसको हम संभाल लेते हैं, और कभी कभी माफ करने वाले की भी तारीफ होती है। सवाल मेरे दृष्टि से यह है कि जब कभी कंपटीशन के साथ साथ सुपीरियरिटी की भावना या रेशियल प्रायोरिटी की भावना या गोरे प्रगत है काले नहीं है, ये तमाम होंगे, वायलेंस रहेगा। मैं कैसे स्वीकार करूं कि काला भी हमारे यहाँ प्रयोग हुआ है, गीता काले नेता के मुंह से बोली गई है, सोच समझ के क्या मालूम नहीं उसको। लेकिन हमको समझना चाहिए कि अगर समाज में अहिंसक समाज बनाना है या प्लूरल सोसाइटी जिसकी बात करते हैं या प्रियम्बल की जो बात करते हैं वो अगर हमको करना है तो हिंदुओं को अपने साथ ऐसे चेहरे भी रखने पड़ेंगे जैसे मुसलमान दिखाई दे, गांधीजी ने किया, क्रिश्चियन दिखाई दे, हमारे कुमार स्वामी क्रिश्चियन थे शायद, आदिवासी दिखाई दे, दलित दिखाई दे। मैं आदिवासी में काम करूं और मैं आदिवासी का लीडर बन जाऊं काफ़ी नहीं है, जब मैं एक आदिवासी को पूरे देश का जी बनाऊँ तब एक हिंसक समाज संभव है। ऐसे मेरे विचार कर नहीं पाया, इसकी दुख है, एक किस्म की अपराध भावना है। इसे 99 में भी कुछ काम करता हूँ, काफी हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। नो, वन लास्ट थिंग, जस्ट टू क्लोज, आपने कई जगह ये कहा है अपने इंटरव्यूज में कि अब आपको नौजवानों में ही उम्मीद टिकी हुई है, दैट यू आर वेरी होपफुल अबाउट द यंग पीपल, तो उसमें ये इतने आपके रिच अनुभव हैं उनके बल पर आज जो नौजवान, जो आपने दृष्टि बताई समाज की, उसकी राह पर जो नौजवान चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, अहिंसा के असूलों पे वो प्रयोग कर रहा है, इस नौजवान के लिए आपकी क्या राय है, उसकी हौसला अफजाई करिए। मैं दो चीज़ें, मैं जब आज़ादी के आंदोलन में नौजवान था और मैं ये भी कह दूँ मैं जुम्मन का था, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और मेरे साथ जो थे 90% वैसे थे, यानी एक नतीजे पर पहुँचा हूँ, परिवर्तन ज़्यादातर जिसके पेट में कुछ है ब्रेड वो ला सकता है, वो जो सोचे मेरे ख्याल से वो सही सोचे, लेकिन वो कब बदलेगा ये सवाल है, वो काम बुद्धिजीवियों का है, नहीं हो रहा है, हुआ अब नहीं हो रहा है, यूरोप में भी हुआ, आज भी हो रहा है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, हावी चुनाव, हावी कॉरपोरेट सेक्टर, वो एक चीज़ है, लेकिन आशा भी तो नौजवानों में ही है। आज आर्य कॉलोनी में नौजवान जा रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान जा रहा है, मोटर में जा रहा है, यानी कुछ संभावना दिखाई देती है, लेकिन उनको कैसे बदलना ये सवाल है। वो वातावरण को लेकर के एक्टिव है, वातावरण के विचार कहाँ से आए मैं जानने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जो चर्चाएँ होती है उससे उनके ऊपर प्रभाव हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरी अगर समय उम्र ज़्यादा ना होती तो उनके पास जा कर के वो क्यों कह रहे हैं, उसको आज की परिस्थिति, आज की अर्थव्यवस्था, आज की राजनीति, आज के संसार, इन तमाम चीज़ों को दे करके एक अलग किस्म का थिंकिंग जो आप कह रही है कैसे डेवलप होगा इसके बारे में सोचा। मैं कल एक शादी में गया था, बहुत बड़े लोग की शादी थी, बैठा रहा, हजारों लोग आए और जिस तरीके का जो जश्न मनाया जाता था, मुझे लगा किस तरीके से ये बात, यानी आप एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। एक मुझे याद आया एक दिन, बहुत साल पहले की बात है, पिछले सदी में उषा मेहता के नेतृत्व में हम लोगों ने एक डायमंड मर्चेंट की शादी का विरोध किया था, वहाँ पर थी चर्चगेट के पास, मुझे वही याद है, जो गांधी जी ने हमको आधे घंटे की शादी तक पहुँचा दिया था, आज यूरोप से भी ज़्यादा
खर्चा करके एक दिखावे की शादी बन गई है, आप इसको कैसे रोकेंगे? और वर्ग 20-25 करोड़ लोग इस देश में अमेरिकन जैसे बन गए हैं या यूरोपियन जैसे हो गए, उसकी सोच आप कैसे बनेंगे? गांधी जी कर पाए, हम कैसे कर पाएंगे सवाल है। मुझे लगता है आपने कहा वैसे, जो आज एनवायरनमेंट की वजह से अवेयर बना है और चिंतित है, उसके अंदर काम करके अगर हम उसको ये कह पाए कि मोटर खरीदने की जरूरत ही क्या है, अगर बहुत जल्दी टैक्सी पे जाओ ना, बहुत ऐसे विचार हैं पर्यावरण को लेकर के हम दे सकते हैं जो शायद आज का नौजवान मानेगा। और दूसरा स्त्री स्वाभाविक तरीके से नॉन वायलेंस मानती, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, बट उनमें जब मोमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आता है यंगस्टर की लाइफ में, जब वो परिस्थिति से ओवरवेल्म्ड फील करता है, तो अपनी लाइफ से कोई अनुभव बताइए, हाउ डू यू रिस्टोर योर होपफुलनेस? इम्पोर्टेंट ही मेरे, क्योंकि उस जमाने में था जब एडवर्टाइजमेंट वो हिडन परसुएडर्स वगैरह की बातचीत नहीं चलती थी। सवाल ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर या कैपिटलिज्म बहुत बड़े पैमाने पर हमको डिटरमिन करता है, हमारी खुद की कोई एजेंसी नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए बिल और बेटर की कंट्रोवर्सी में मैं बिल को ज़्यादा महत्व देता हूँ। जब मैं बिल की बात करता हूँ तो मेरी खुद की कोई एजेंसी है। मैं खादी की बात करता हूँ, खादी एनवायरनमेंट वगैरह खादी को छोड़ दीजिए, इसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत कम होगा। सवाल उठता है, मुझे सरकार खादी पहनने से रोक नहीं सकती, कर सकता हूँ ना? तो मुझको या हमको एक ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से, जिस चीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, इन तमाम चीज़ों के उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलराइजेशन, एफोरेस्टेशन, जीरो कार्बन कम्युनिटीज, वहाँ तक हमको पहुँचना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई होती रही तो, हिंसा होती रही तो संभव नहीं है। मैंने इतना व्यापक, बट ये ना संभव दिखे तो भी हर इंसान अगर अपना एफर्ट करता रहे तो उसका मीनिंग है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन कब? क्योंकि लोग लगे ही हुए हैं ना, नंबर्स मैटर, दैट्स ट्रू। चलो, राहुल की यात्रा का एक है नंबर्स है, हमारी यात्रा है टोकरिज्म है। राहुल को सुनने के लिए किसी भी कारण से लोग आ रहे हैं, दिखता है। मैं गया नहीं जी, मेरी बेटी की जाप भी गई थी जी। तो वो जाने, अगर आप समाज परिवर्तन चाहते हैं तो नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। वो नंबर्स कैसे बढ़ेंगे कुछ, लेकिन आप कर रही हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, और हम लोग भी कम्पीट करें, आप आगे बढ़ गए, मैं रह गया, नहीं हो सकता है। मैं अगर ये कहूँ आप भी बढ़िए, मैं भी बढ़ूँ, संभव है। बहुत खूब जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अहिंसा कॉन्वर्सेशन। ये भी कह दूँ कि आपने मुझको मौका दिया मेरे विचार रखने का।